10 लाख रुपए की दहेज के लिए पत्नी को घर से बाहर निकाला। कोर्ट के आदेश के बाद भी भरण पोषण की राशि नहीं दी, गिरफ्तारी वारंट निकला। खबर एसपी ऑफिस से है, जहां एक झांसी की युवती ने शिवपुरी के युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। युवती ने बताया कि उसकी शादी शिवपुरी में हुई थी, लेकिन दहेज के नाम पर ससुराली जन उसे परेशान करने लगे। ना ही युवक ने अभी तक भरण पोषण की राशि जमा की और ना ही उसकी गिरफ्तारी हो सकी है। जानकारी के अनुसार जेबा कुरैशी पत्नी अरशद कुरैशी निवासी दीनदयाल नगर थाना सिपरी जिला झांसी ने बताया कि मेरी शादी मेरे ताऊ के लड़के अरशद कुरैशी पुत्र रशीद कुरैशी निवासी बड़ा बाजार जैन मंदिर के पास गौशाला से 6 जनवरी 2017 को संपन्न हुई थी। शादी में माता पिता ने पति और ससुरालीजनों की मांग के अनुसार 25 लाख रुपए शादी में खर्च किए थे। फिर भी ससुरालीजन दहेज से संतुष्ट नहीं थे और आए दिन दहेज लाने के ताने देकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना करने लगे। 10 लाख रुपए नगद और पिता का मकान पुरानी शिवपुरी गौशाला की रजिस्ट्री अरशद कुरैशी के नाम कराने के दबाव डालने लगे। मना करने पर जून 2020 में जबरदस्ती मायके छोड़कर गए। इसके बाद युवती ने पति और ससुरालीजनों के विरुद्ध झांसी न्यायालय में दहेज उत्पीड़न घरेलू हिंसा भरण पोषण के मुकदमे दायर किए थे। 16 नवंबर 2020 को 15,000 रुपए प्रतिमाह की भरण पोषण की धनराशि मुकदमा प्रस्तुत करने की 5 दिसंबर 2020 से पति अरशद कुरैशी से दिलाए जाने का आदेश पारित किया गया था, लेकिन अरशद कुरैशी द्वारा भरण पोषण की धनराशि अदा नहीं की जा रही। इसके बाद गिरफ्तारी वारंट भी निकाला, लेकिन अभी तक युवक को गिरफ्तार नहीं किया गया है, ना ही उसके द्वारा रकम अदा की गई है। इसकी शिकायत आज एसपी ऑफिस से शिवपुरी में महिला ने दर्ज कराई है। क्या नाम है गुड़िया आपका? मेरा नाम जेबा कुरैशी है, मेरी शादी यहीं हुई है, पुरानी शिवपुरी में हुई है। अच्छा, तो ये मेरे जो हस्बैंड है वो एसपी ऑफिस। आपके क्या काम था? इसीलिए आई थी क्योंकि मेरी शादी के बाद मुझे काफ़ी परेशान किया गया और काफ़ी बार बातचीत करने के बाद भी बात नहीं बनी, तो फिर मैंने कानून का सहारा लिया, फिर मैंने कोर्ट में केस किया। कौन 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 है, कौन है, क्या रहते हैं? पुरानी शिवपुरी में अरशद कुरैशी, आईडीबीआई बैंक में जॉब करते हैं। और फिर मेरा केस चला तो यहाँ पर क्या है, 4-5 बार अरेस्ट वारंट निकल चुके हैं। देहात थाने आते हैं क्योंकि निकटतम थाना वहीं लगता है जी। तो वहाँ पे जब भी अरेस्ट वारंट आते हैं हमेशा पुलिस वाले यही रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं कोर्ट में कि घर पे ताला लगा हुआ है जी, जी। हमेशा यही होता है हर बार। मैं पिछले साल भी एस पी ऑफिस। कितनी साल हो गई थी आपकी शादी? मेरी शादी को 3 साल हो गए थे, 3 साल मैं वहाँ पर रही थी और 4 साल मुझे केस करते हुए, 7 साल हो गए मुझे परेशान होते होते जी जी। तो फिर मैंने जब केस किया उसके बाद मुझे लगा कि शायद अब मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन हमेशा अरेस्ट वारंट निकलते हैं और हमेशा क्या है, पुलिस वाले हमेशा यही लगा देते हैं कि वो है नहीं है, उनको भगा देते हैं। बीच में तो मुझे ये भी पता चला था कि पुलिस वालों ने पैसा लेके उनको और है ना उनको कह दिया कि आप जाइए। तो अभी भी कल भी पुलिस वाले गए घर पे और जैसे पुलिस वाले गए वैसे घर पे ताला लग गया। तो मतलब मैं परेशान हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि शायद ये सब करने से शायद मुझे न्याय मिले, क्योंकि शादी के बाद तो मैं खुश थी नहीं और मुझे लगा ये सब करके मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन मुझे अभी भी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं यहाँ पे। अभी एसपी सर ने मुझे काफ़ी आश्वासन दिया है और मैंने इस सब की सूचना मैंने उसमें सीएम हेल्पलाइन में भी की थी, क्योंकि मैं परेशान हो चुकी थी, मुझे और कोई रास्ता समझ में नहीं आया। तो मैंने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन करी तो मुझे देहात थाने वालों ने बराबर डेली मुझे कॉल करते थे और डेली मुझे बोलते थे कि आप है ना कंप्लेंट वापस ले लीजिए, हम आपको आश्वासन देते हैं, हम आपकी है ना ये काम करवाएंगे, हम गिरफ्तार करवाएंगे उसको, और फिर भी कुछ भी नहीं। और ये ज़बरदस्ती कर करके मुझसे कंप्लेंट वापस दिलवा ली सीएम हेल्पलाइन की, और अभी फिर से अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, अभी फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। अभी मुझे पता चला है कि कल पुलिस वाले पहुँचे और वो फिर चले गए ताला लगा के, तो मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा एसपी ऑफिस एसपी सर से बात करने के लिए कि ऐसे कब तक चलेगा। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी सर ने यही बोला है, उन्होंने अरेस्ट वारंट देखा और उन्होंने उस पर लिख लिया है और उन्होंने यही बोला है कि वो इस पर कार्यवाही करेंगे।